हेलो गाइज, मैं सूरज। आज आपके नए अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है अपने जीवन परिचय। दोस्तों, हिंदी से रिलेटेड आप बीए में हैं, हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो उसके बारे में देखते हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में, और आपको लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में। अच्छी लगे वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने का बेल का आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि पेपर लीक होता है हाई स्कूल और इंटर वालों का, तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पर मिलेगा, क्योंकि हम ही लीक करा दें। तो चलते हैं यूट्यूब चैनल को, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपको पता ही होगा बीएससी का पेपर हमने ही लीक आया था 2018 और 2019 में। देख लो, 78,000 सब्सक्राइबर हैं दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आप तो अब तक हम शो नहीं करेंगे चैनल पर सब्सक्राइबर, जब तक कि आप हमें सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बैल का आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। और ये बात करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। देखिए, पहले याद रखना कैसे करते हैं जीवन परिचय, कैसे लिखते हैं। तो जीवन परिचय लिखने के लिए सबसे पहले आपको जीवन परिचय हेडिंग डालनी पड़ेगी, उसके बाद में यहाँ नाम लिखेंगे। जिसका भी जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका नाम लिख देंगे, उनका जन्म जो भी जन्मतिथि है उसको लिख देंगे, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, निवास और मृत्यु। इतनी हेडिंग डालने के बाद में उनके जो भी पिता का नाम, माता का नाम, जहाँ उनका ग्राम हुआ, जहाँ मृत्यु हुई, वो इतना कुछ लिखने के बाद में, यदि आप इतना सब कुछ पहले लिख देते हैं, इतना चीज़ आप पहले लिख देते हैं, तो जो एग्जामर होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है मेरे प्यार दोस्तों, वो क्या करता है कि यार वो बंदे से, मतलब कि उसको बच्चे के अंदर टैलेंट देखता है कि हाँ उस बंदे को सब कुछ याद है जिसने ये लिखा है, क्योंकि उसने पहले ही लिख दिया कि जो उनके पिता का नाम था, उनकी माता का नाम यहाँ था, यहाँ उनका जन्म हुआ, यहाँ मृत्यु हुई। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है जीवन परिचय में। अभी आप चार लाइनों में ये चीज़, पांच लाइनों में ये चीज़ यहाँ पहले लिख देंगे, तो वो बंदा समझेगा, जो एग्जामर चेक करेगा, कहेगा हाँ बंदे के अंदर कुछ टैलेंटेड है, ठीक है। उसके बाद में भले ही आप जो चीज़ नीचे लिखो वो गलत लिख दो, क्या क्या लिख रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यार हम तो ठीक लिख के आएंगे ना, जब हमें यही पता है। तो लिखने का तरीका मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसको, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात हो रही, तो उनका जन्म कहाँ हुआ, जब कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उन्हें शिक्षा कहाँ प्राप्ति की, ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था, वो कब कितने उम्र में क्या किया उन्होंने, हाई स्कूल कहाँ से किया, ठीक है, उन्होंने कौन सी कहाँ नौकरी की, क्या की, ये सब जीवन परिचय कहलाता है। तो इतना बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं लास्ट तक, वीडियो बनी रही है। बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में बस्ती जिले के अगोला नामक ग्राम में हुआ। कहाँ था, हुआ था अगोला नामक ग्राम में हुआ। उनके पिता का नाम चंदबली शुक्ल था, जो मिर्ज़ापुर के कानूगोए थे। कौन थे, जो मिर्ज़ापुर के कानूगोए थे। कानूगोए जानते हैं, जो नेखपाल कानूगोए होते हैं वो लोग, ठीक है, उनकी बात। और इनके माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। कैसे थी, एक विदुषी थी और धार्मिक थी। इनकी शिक्षा दीक्षा अपन के पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई थी। राठ तहसील थी उसमें हुई थी, ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है हुई थी और देखिए दसवीं कक्षा, जो कक्षा दस थी, दसवीं पास होने के बाद गणित में कमज़ोर थे जो राज शुक्ल थे, वो क्या थे, रामचंद्र शुक्ल वो क्या थे, कमज़ोर थे मैथ में, गणित में कमज़ोर थे, और इसी कारण उन्होंने जो इंटर की परीक्षा की थी वो कॉमर्स वगैरह से परीक्षा उत्तीर्ण की थी इलाहाबाद कॉलेज से, ठीक है। और किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया, मतलब कि उन्होंने इंटर की परीक्षा भी नहीं दे पाए और विद्यालय छूट गया। फिर क्या हुआ, परीक्षा छूट गया, मतलब पेपर नहीं दे पाए, वो छूट गया, उन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी का आरंभ कर दिया। मतलब नौकरी न्यायालय मिर्ज़ापुर के उनके पिता करते थे, वहीं वो करने लगे न्यायालय में ही, ठीक है, न्यायालय में नौकरी करने का आरंभ कर दी। और 19 वर्ष के थे तब, 19 वर्ष तक, ठीक है, 19 वर्ष बाद क्या होगा, उन्होंने काशी नगरी प्राचीन पत्रिका का संपादन किया। जब 19 वर्ष के थे तो उन्होंने काशी नगरी प्राचीन पत्रिका का निर्माण किया था, या उन्होंने लिखी थी, ठीक है, संपादन किया। उसके बाद में और कुछ समय पश्चात उनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मतलब जब उस ये पत्रिका लिखी उन्होंने, फिर उनकी जो नियुक्ति हुई वो हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यक्ष के रूप में हो गई थी। फिर इनकी मृत्यु 1941 में हो गई थी। बस इतना कुछ इनका जीवन परिचय था। अब बात कर देते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो रचना क्या क्या थी, रचना देख लेते हैं। देखिए यहाँ बात करेंगे निबंध की, निबंध था हमारा चिंतामणि और विचार भी थी। उसके बाद में आलोचना की बात करें तो रश्मिशांत और त्रिवेणी। संपादन की बात करें तो हमारी देखिए जैसी ग्रंथवाली और तुलसीदास ग्रंथवाली और काशी नगरी प्राचीन पत्रिका, ये उनके संपादक थे। तो आई होप हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो यहाँ लाइक कर देना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि हम आपको लिटिल्स वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अच्छी लगी वीडियो लाइक प्लीज सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।